एक होता है आसान और दूसरा होता है आसान तरीन। जो रेसिपी आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी वो इंतहाई आसान तरीन है और इसका जायके की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, आप इसको चाइनीज़ आलू की तहरी रेसिपी भी कह सकते हैं या फिर आप इसको चाइनीज़ आलू पुलाव भी कह सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, तो रेसिपी को मैंने देसी टच दिया है। तो आज आपसे शेयर करने लगी हूँ मैं चाइनीज़ आलू की तहरी रेसिपी। तो खाने में इंतहाई लजीज बनती है, तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दे, साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, मज़ेदार सी चाइनीज़ पुलाव रेसिपी। तो मज़ेदार सी चाइनीज़ आलू की तहरी बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लूँगी, तो मैंने ले ली है यहाँ पर चावल। ये बासमती राइस हैं जिनको मैं पानी में सोख करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास चावल ले ली है, बासमती राइस लिए हैं, इनको मैं आधा घंटे के लिए पानी में सोख कर दूँगी। तो सबसे पहले हम चावल को अच्छी तरह पानी से धो लेंगे, उसके बाद मैं इनको पानी में भीगने के लिए छोड़ दूँगी आधे घंटे के लिए। तो आ जाते हैं अब आलू की तहरी की तैयारी कर लेते हैं। तो हमारे चावल यहाँ पर सोख होने के लिए छोड़ देते हैं हम। तो चाइनीज़ आलू की तहरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्ज़ियाँ ले ली हैं जिनको मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं 2 अदद, जिनको मैंने छोटे छोटे साइज़ में क्यूब्स में कटिंग कर लिए हैं। एक छोटा फूल मैंने बंद गोभी का लिया, इसको भी मैंने इस तरह जूलियन कटिंग में, शिमला मिर्च और गाजर को भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। तो अगर आप आलू का साइज़ बड़ा रखना चाहते हैं तो आप बड़ा भी रख सकते हैं, चूँकि मैंने छोटा साइज़ रखा ताकि सब्ज़ियाँ हमारी ईजिली गल जाएँ। यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं। अच्छा, हम चाइनीज़ आलू की तहरी में देसी टच भी देंगे तो हमने हरी मिर्चें ली हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों में मैं शामिल कर दूंगी नमक, 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर रहा है, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं फूड कलर शामिल करूंगी, ऑरेंज फूड कलर। अच्छा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंडों में हम नमक और हमने जो कलर डाला है इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इनको बीट कर लेंगे अंडों में अच्छी तरीके से। बस हल्का सा ही यहाँ पर हम अंडों को फेंट लेंगे, फिर आ जाते हैं अंडों की हम फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है जिसमें हम आलू चाइनीज़ आलू की तहरी बनाएंगे। तो उसी पतीली में हमने 1/2 कप ऑयल ले लिया है, और जहाँ पर हमने जो अंडे फेंटे थे वो अंडे शामिल कर दिए हैं हमने। अंडों को बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इतना ही फ्राई करेंगे, और इनको यहीं पर ही स्क्रम्बल कर लेंगे हम अंडों को। अंडे फ्राई हो गए, अब अंडों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब उसी ऑयल में जिसमें हमने अंडे फ्राई किए थे उसी ऑयल में हम यहाँ पर शामिल कर देंगे लहसुन। मैंने 2 लहसुन के क्लोव्स लिए थे, इनको काट कर हम शामिल कर देंगे। यहाँ पर लहसुन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जब लहसुन सोटे हो गया तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली, उनका मैंने पेस्ट बनाकर यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब हरी मिर्चों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, चूँकि यहाँ पर हम देसी चाइनीज़ आलू की तहरी बनाने जा रहे हैं तो हम इसको स्पाइसी भी बनाएंगे, और बड़ी ही चटपटी सी बनेगी चाइनीज़ आलू की तहरी इंशाल्लाह ताला। यानी हम इसको फीकी सीटी नहीं बनाएंगे। तो अच्छी तरीके से जब हमने यहाँ पर हरी मिर्चों के पेस्ट को भुनाई कर ली, तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी कुछ अपनी कलरफुल सी सब्ज़ियाँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी आलू। आलू शामिल करके यहाँ पर आलू को हम हरी मिर्चों के पेस्ट में फ्राई करेंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरीके से हम आलूओं को मिक्स कर लेंगे हरी मिर्चों के पेस्ट में। साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी गाजर। गाजर हम इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि आलू और गाजर दोनों सब्ज़ियाँ हार्ड हुए तो दोनों सब्ज़ियाँ गलने में टाइम लेती हैं, इसलिए हम इनको सब सब्ज़ियों में सबसे पहले इन दोनों सब्ज़ियों को शामिल कर देंगे, आलू और गाजर को। गाजर को भी मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। अब गाजर, आलू, इन दोनों को अच्छी तरीके से हम हरी मिर्चों के पेस्ट में मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं ना आलू और गाजर के गलने के लिए ना यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, यानी मैं 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर पानी शामिल करके कवर करके रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 5 मिनट बाद। 5 मिनट बाद आलू और गाजर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे क्योंकि हम इनको दम पर भी तो रखेंगे, इनको इतना ही पकाएंगे कि सब्ज़ियों में हल्की सी कसक रह जाए। आलू और गाजर को चूँकि हमने ज़्यादा नहीं गलाना, बस अब यहाँ पर हम शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ पर छोटा चम्मच यानी 1/4 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम साथ ही शामिल कर देंगे नमक। नमक यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे।
क्वार्टर टीस्पून ही यहाँ पर मैंने पिसी हुई काली मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब यहाँ पर हम शामिल कर देंगे साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है या आप नहीं डालना चाह रहे तो आप चाइनीज़ सॉल्ट भी शामिल कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डालना चाहते तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर शामिल कर लीजिएगा। चिकन पाउडर शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से अब मैं मिक्स कर रही हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून चिली सॉस के शामिल कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी सोया सॉस और सिरका। तो देखिए हम इसको साथ साथ देसी होने के साथ साथ चाइनीज़ टच भी दे रहे हैं। तो शामिल कर देंगे सब चीज़ हमने 2-2 टेबल स्पून शामिल कर दी है, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस। अब इन तमाम सॉस को डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे तमाम सब्ज़ियों में। तो देसी और चाइनीज़ मिर्च मसालों के कॉम्बिनेशन से चाइनीज़ आलू की तहरी को इतने मज़े की बनने वाली है कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। तो इस रेसिपी को आज ही आप लोगों ने ट्राई करना है, बड़े ही मज़ेदार बनती है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बंद गोभी और शिमला मिर्च, दोनों सब्ज़ियों को हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। इनकी भी हमने जूलियन कटिंग में काट लिया था हमने शिमला मिर्च को भी, और ये दोनों सब्ज़ियाँ बिल्कुल एंड में डलती हैं। अब इन दोनों सब्ज़ियों को डालने के बाद हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बस हमने इनको यहाँ तक फ्राई करना है कि ये 50% तक जो है दोनों सब्ज़ियाँ गल जाएँ यानी सॉफ्ट हो जाएँ। इस स्टेज पर आप लोगों को मेरी रेसिपी, मेरी मेहनत ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज़ काइंडली दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए हाथ की हाथ, और रेसिपी को अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर किया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो चलें यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है इन तमाम सब्ज़ियों को। यहाँ पर हम पानी शामिल करेंगे चावलों का, तो मैं आपको गिलास का नाप दिखाती हूँ कि इस गिलास से मैंने चावल नापे तो इसी गिलास से मैं पानी की मेजरमेंट करूँगी। तो एक गिलास हमने चावल लिए थे तो हम 1.5 गिलास यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। अब यहाँ पर मैं 3 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। इसके बाद हम यहाँ पर चावल शामिल कर देंगे जिनको आधा घंटा हो गया, और ये बासमती चावल हैं। अब यहाँ पर हम चावल को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पर चावलों का नमक शामिल कर देंगे। तो 1 टीस्पून जो है मैं नमक पहले शामिल कर चुकी हूँ, और 1 टीस्पून हम मज़ीद इसमें और नमक शामिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैं दम दूँगी, यहाँ पर मैं तवा रख के दम दूँगी। नमक डालकर अब हम मिक्स कर लेंगे नमक को चावल में, और यहाँ पर हम अब इसका पानी ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो पानी ड्राई देखिए यहाँ पर हो गया है चावलों का, तो अब हम यहाँ पर दम पर रखेंगे। लेकिन दम पर रखने से पहले मैं यहाँ पर कुछ काली मिर्चें स्प्रिंकल कर दूँगी, और फ्राई किए थे अंडे हमने फ्राई किए थे वो अंडे हम इसके ऊपर रख देंगे। फिर कवर करके रख देंगे, तकरीबन हम इसको दम देंगे 12 से 15 मिनट का हम दम देंगे। यहाँ पर हम अंडे रख रहे हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे 12 से 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम दिए हुए। तो यहाँ पर देखिए आप माशाल्लाह से चावल की लुक तो चेक करें, तो चाइनीज़ तहरी कितनी लजीज और शानदार माशाल्लाह से बनी है, खुशबू दूर दूर तक फैल गई है। तो माशाल्लाह से आप लोग देखिए चावल का एक एक दाना खिला खिला हुआ है, सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं हुआ है, और सब्ज़ियाँ अच्छी तरीके से पक भी गई हैं। तो ये लजीज और बेहतरीन सी रेसिपी आज ही आप लोग बनाएं इस रेसिपी को, और अपने घर वालों से दाद वसूल करें, और मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मुझे आपके प्यारे से कॉमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।